अस्सलाम वालेकुम, रोमिंग की किचन में वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट डिश। हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब का बटन ऑन करके उसकी बेल आइकन बजा दें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रोमिंग की किचन में वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट डिश, कस्टर्ड बना रहे हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अपना दूध लिया है आधा किलो के करीब, उसको हम करेंगे बॉयल और इसमें फिर हम अपना डालेंगे कस्टर्ड और बाकी के हमने फ्रूट कटिंग करके उसको फ्रीजर में ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। अच्छा ठंडा करना है ताकि मीठा अच्छा लगे ये वाला डिज़र्ट। तो हमने दूध बॉयल हो रहा है, इधर हम इसमें डालेंगे अपनी चीनी। चीनी डाली हमने अपनी टेस्ट के मुताबिक। दूध हमारा बॉयल हो रहा है, यहाँ वैसे भी बॉयल हुआ हुआ आता है तो हम इसको हल्का सा ही पकाएंगे। कस्टर्ड हम अपना डालेंगे इसमें, 2-3 चमचे हमने लिया कस्टर्ड। दूध ज़रा सा ही गाढ़ा करेंगे, इतना हैवी कस्टर्ड नहीं बनाएंगे हम। अच्छे तरीके से चमचा चलाते जाएंगे। ताकि ये गाढ़ा हो जाए इसमें हम और डालेंगे। इसको हम पकने देंगे अब अच्छे तरीके से। वनीला फ्लेवर लिया है हमने कस्टर्ड में, आप लोग कोई सा भी अपनी पसंद का ले सकते हैं कस्टर्ड फ्लेवर। लेकिन कस्टर्ड हमने डाल दिया है, कस्टर्ड पक रहा है, थोड़ा थोड़ा ही गाढ़ा होता हुआ आ रहा है। इसको ठंडा करेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। अब अभी हम इसको करेंगे ठंडा किसी बर्तन में डाल के, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ये देखें हमने कस्टर्ड अपना ठंडा कर लिया अच्छे से, और ये सब हमने फ्रूट जो भी आपके पास हो, जेली वगैरह, हमने जेली नहीं ली, ये सब हमने कर दिया है फ्रीज़र कर दिया था इसको अच्छे तरीके से। सेब, अंगूर, अनार, केले, ये देखें ब्लैक वाला भी अंगूर है, ग्रेप्स, इस सब को अब हम करेंगे मिक्स। इसमें हम डालेंगे अच्छे तरीके से अपना ये फ्रूट। ये पूरा आइसक्रीम की तरह होगा फ्रीज़र में आप करके। ये देखें इस तरीके से ये हमारा हो गया रेडी। इसको अभी हम करेंगे फ्रीज़र। फ्रीज़र वैसे तो फ्रूट फ्रीज़र हुए हुए हैं हमारे, आप जो है इसे फ्रीज करके भी खा सकते हैं अच्छे तरीके से फ्रीज करके, और वो करके डिश आउट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा रेडी हो गया। आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और हमारे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब।